गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारी आवाज क्लियर है? जी मैम। हाँ मैम। ये आवाज नहीं आ रही है किसी की भी, क्या प्रॉब्लम है? या मैम, आ रही आवाज आपकी? कुछ कुछ प्राचीन विधि को हम लोग देख चुके थे। इसके पूर्व हमने वाणिज्य व्यापार भाषा प्रकार उससे बताया था आपको कि वाणिज्य व्यापार की गतिविधियां क्या होती है, उसके प्रबंधन क्या होते हैं, संप्रेषण के धरातल पर उसे भाषाई प्रकार यानी लेन देन या लाभ हानि का ब्यौरा किस प्रकार से रखा जाता है, परिवहन संस्थान सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय कैसे होते हैं और साथ ही में बाजार की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है उससे बताया था। आर्थिक लेखा जोखा चूंकि वह प्राचीन विधि के आधार पर उसे क्या लिया जाता है वो भी हमने आपको बताया था। अकाउंटेंसी का कार्य होता है, उसके बाद में हमने आपको ये भी बताया था कि लेखा कर्मों के तीन प्रकार होते हैं जिसे वित्तीय लेखा लागत परिमाण कहा जाता है, मौखिक एवं संप्रेषण लिखित संप्रेषण भी हमारा होता है। इसके पश्चात हम लोग देख चुके थे कि वाणिज्य व्यावसायिक हिंदी की संरचनात्मक विशेषताएं कैसे होती है, जिसमें हमने शब्द संपदा को देखा था और क्योंकि इस शब्द संपदा के अंतर्गत पहला आता है प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा, क्योंकि जो मनुस्मृति है या कौटिल्य है उसी का उन्हीं का अर्थशास्त्र और उन्हीं के अर्थशास्त्र की परंपरा को आगे निभाते हुए हम हिंदी के साथ साथ संस्कृत के भी कई अर्थशास्त्रीय परंपरा है जिसमें तत्सम शब्दावली को पाते हैं, जैसे मूल्य वृद्धि हुआ, चक्र वृद्धि, कालिका वृद्धि, शिखा वृद्धि, कायिक वृद्धि, वित्त वृद्धि, इस प्रकार की तमाम ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम प्राचीन अर्थशास्त्रीय परंपरा के अनुसार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ये पारंपरिक व्यापारिक शब्दावली, क्योंकि हमें सभी लोगों को पता है कि इसके पूर्व आयात और निर्यात इन दो शब्दों को हमने भलीभांति देखा था। व्यापार करते समय कई व्यापारियों का उच्चारण यहाँ पर हो कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पर हमने मारवाड़ का लिया हुआ है क्योंकि मारवाड़ी समाज की अहम भूमिका रही है व्यापार के क्षेत्र में। आज भी यदि हम लोग देखते हैं हमारे आस पड़ोस में तो गुजराती है, मारवाड़ी है, यही लोग हमें व्यापार के मूल रूप में प्राप्त होते हुए दिख। उसके बाद में सिंधी लोग आ गए, है ना? तो मूलतः जो हमारा बेस है वह मारवाड़ी पर हुआ है। मारवाड़ी की जो व्यापारिक शब्दावली होती है वाणिज्य व्यावसायिक शब्दावली के आधार पर तो वह प्रचुर मात्रा में हिंदी में पाई जाती है, जैसे खाता यह शब्द हुआ, पही, जमा, नावे, देवा, लेवा, दिवाला, इस प्रकार से। अगला हमारा पॉइंट है अरबी शब्दावली। अरबी और फारसी शब्दावली होती है, तो अरबी तात्पर्य क्या है, क्योंकि आप सभी लोगों को भली भांति पता है कि हमारे भारत पर अब तक न जाने कितने लोगों ने आक्रमण किया, कितने लोगों ने अपना शासन जमाने का प्रयास किया, चाहे वो अफगानी हो चाहे वो मुगल शासन हो। तो यहाँ पर हम मुगलकालीन जो प्रशासन है वहां से जो अरबी और फारसी के शब्दों को हमने एज इट ले लिए, आज भी हम उसे वैसे ही लेना चाहेंगे। यदि आप लोगों में से कोई महाराणा प्रताप को देखते होंगे तो उसमें महसूल जमा करने की बात चलती है, जो मुगलकालीन साम्राज्य था उस काल में था, प्रताप के युग में। तो महाराणा प्रताप ने कितने लोगों के महसूल को वहां पर दूर करने का प्रयास किया, मतलब यात्रा भी जब लोग करते थे तो यात्राओं पर भी उन लोगों ने महसूल जमा लिया। तो ये महसूल जो शब्द है यह अरबी का शब्द है, मूलतः अबकारी है, रुका, मियाद, रहें, गिरवी रख दो, माल, आमदनी, लेन देन, नमूना, बाजार, खाता, कीमत आदि, इस प्रकार के तमाम ऐसे शब्द हैं जो कि वह अरबी और फारसी में लिए जा सकते हैं। अब चलते हैं अंग्रेजी शब्दावली के तौर पर। तो अंग्रेजी में भी कई ऐसे बैंकिंग प्रणाली हमारी आज की है, चूंकि वह हिंदी के साथ साथ हमारे अंग्रेजी को भी आत्मसात करती है। जैसे आप लोगों ने बताया था कि बैंक है या वाउचर है, चेक है, बोनस है या लिमिटेड है ना, कंपनी कहते हैं ना अपन, कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वगैरह, ऐसा ऑर्डर है, स्टोर है, प्रिटी मॉडल है, शेयर है, कमिश्नर है,
टीवी, फैन, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इस प्रकार के तमाम ऐसे अंग्रेजी शब्द है, क्योंकि वहाँ अंग्रेज शासन काल में हमारे प्रशासनिक शब्दों के साथ साथ व्यापार और व्यवसाय के साथ भी हमारे बीच में प्राप्त हो गए। मतलब आज भी यदि हम देखते हैं आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का जो सूत्रपात हमारे साथ आता है, वो वित्तीय प्रतिष्ठानों का कामकाज करते समय वो अधिकतर रूप से अंग्रेजी में होता हुआ दिखाई देता है। हिंदी की अन्य प्रयुक्ति की तरह इस प्रयुक्ति में भी अंग्रेजी शब्दों का बेहिचक प्रयोग होता है। मतलब जहां पर हम लोग बात करना चाहते कि ठीक है हिंदी में तो आत्मसात कर ले, लेकिन हिंदी के साथ साथ अरबी शब्द है, फारसी शब्द है, अंग्रेजी शब्दावली है, तो इन शब्दों को छोड़कर अन्य प्रयुक्त किए जाने वाली भी शब्दावली होती है। जैसे वाणिज्य व्यवसाय का संबंध भी हम देखते हैं तो केवल उपभोक्ता से नहीं होता है ना, मतलब जो कस्टमर है उससे नहीं होता है, तो उसका संबंध माने व्यवसाय का जो संबंध होता है वो सर्व सामान्य उपभोक्ता से लेकर प्रशासन तक होता है, मतलब शासन तक, फिर वो विधि तक, रूल्स एंड रेगुलेशंस तक, फिर वो जनसंचार माध्यम माने एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद में वो बैंक तक पहुंच जाता है, वो उसके बाद में वो बीमा, इन सब तक यदि वो पहुंच जाता है, जिस कारण वो अपने सामान्य हिंदी को उसका प्रचलन करते हुए वो कार्यालय हिंदी के रूप में परिवर्तित कर देता है। हिंदी की विधि की जो हिंदी है माने जो कानून की जो हिंदी है वो अलग होती है। कैसे, क्या आप लोग एक कानून की हिंदी को आप हमें समझा पाओगे? कानून की हिंदी में और सर्वसामान्य हिंदी में क्या डिस्टेंस होता है? कौन बताएगा? इसी पॉइंट पर हम लोग आए थे जहां तक हमें याद है, बताइए कोई भी। यहां तक हमने इसलिए बताया ताकि जो हमारे प्रिय छात्र यहाँ पर मौजूद नहीं थे परसों के लेक्चर्स में, इसलिए हमने उसे बताने का प्रयास किया कि हम कहाँ तक आए थे, है ना। तो ये हमने बता दिया है कि हम लोगों ने ये देखा और यहाँ तक हम लोग आए थे। अब आगे हमारा जो प्रश्न है वो शायद आप लोगों को समझ में न आया हो, तो हम फिर से एक बार प्रश्न को दोहराते हैं। हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जरा गौर से सुनिएगा कि सर्वसामान्य हिंदी या अन्य प्रयुक्त शब्दावली को भी हमें देखना है, तो सर्वसामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी या कार्यालय हिंदी और विधि हिंदी, इनमें क्या डिस्टेंस होता है, आप उसे कैसे समझाओगे? कोई ऐसा एग्जांपल आप लोग दे पाओगे कि जिस एग्जांपल के माध्यम से सामान्य हिंदी है? मैम जो लीगल हिंदी अगर बोलेंगे जो कोर्ट में यूज होती है, उसमें कोर्ट के जो शब्द होते हैं वो यूज किए जाते हैं, जो कि हम डे टू डे लाइफ में नहीं यूज करते। ओके, और कोई एकाद वर्ड आपको याद आ रहा है, कोई एकाद शब्द आपको याद आ रहा है इसका? जैसे जब कोई जज सजा सुनाते हैं तो बोलते हैं 302 दफा के तहत, 402 दफा के तहत, ऐसा। ये हम रोज के हिंदी भाषा में नहीं यूज करते, हम उसको बोलेंगे 304 के अंदर उसको सजा सुनाई गई, इस टाइप से। ओके, ठीक है हर्षिता, आपके बातों को हम आत्मसात करते हैं, पर आपने जो कुछ भी कहा उसी के आधार पर हम आपने विधि की हिंदी को बताने का प्रयास किया, उसे हम आपको सर्वसामान्य हिंदी के तौर पर बताने का प्रयास करते हैं। कलम है ना, एक शब्द है कलम। यदि हम किसी मालिक के पास चले जाते हैं और मालिक को कहते हैं कि हमें गुलाब की कलम चाहिए, हमें गुड़हल की कलम चाहिए, है ना, तो गुड़हल की कलम लेने के लिए जाते हैं, गुलाब की कलम लेने के लिए जाते हैं, तो वो हमें क्या देगा? उसका एक छोटा से जो पौधा होगा उसे वो निकालेगा, है ना, उसकी कलम तैयार करेगा, वो कलम अपने हाथों में देगा। कलम, इज इट क्लियर? ये शब्द आपको माली के तौर पर कैसे आत्मसात किया जाता है, ये समझ में आया? जी मैम। हाँ, अब हम चलते हैं किसी एक टीचर के पास। अब टीचर्स के पास यदि चले जाते हैं, उनको कहते हैं कि हमें आपकी कलम चाहिए, बैंक में चले जाते हैं और कई बार तो हम अपने पेन भूल जाते हैं, तो कलम से तात्पर्य पेन से हुआ।
ये शब्द है सर्वसामान्य हिंदी के तौर पर, जब हम माली के पास जाते तो उस कलम का अर्थ अलग हो जाता है, जब हम किसी टीचर के पास चले जाते उस कलम का अर्थ अलग हो जाता है, अब हम चलते हैं कोर्ट के में और कोर्ट के किसी जज के पास चले जाते हैं और उनको पूछते हैं कि मानती हूँ चलेगा न हो ऐसा लेकिन हो रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे कि अभी जो नारियां है वो सिक्योर नहीं है, है ना। फीमेल्स की यदि बात करते तो हम लोग सिक्योर नहीं है, घर में प्रताड़ित किया जा रहा है महिलाओं को, बाहर प्रताड़ित हो रही है, कई बार तो उन पर अलग अलग प्रकार के लांछन लगाए जाते हैं या कुछ अनहोनी घटना हमारे साथ घटित हो जाती है, तो हम क्या करेंगे उसके साथ उस वकील के एडवोकेट के पास चले जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा ये हमारे साथ जो घटना घटित हुई है वो किस कलम के आधार पर होगी, तो कलम का मतलब क्या होगा, या अनुसंधान कहलाएगा या अनुच्छेद कहलाएगा, तो एक ही शब्द है क्योंकि वो आप ही के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। हर्षिता जी आपने कहा कि विधि के माध्यम से कई प्रकार की ये इसमें अंदर आता है इसके अंदर आता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कलम कहेंगे, तो माली वाला कलम अलग होगा, किसी टीचर वाला कलम अलग होगा और किसी एडवोकेट वाला कलम अलग होगा। कलम शब्द एक ही है लेकिन उसके भिन्नता के अर्थ जो है उस अर्थ की भिन्नता को हमें यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ तक क्लियर हो गए आप सभी लोग? जी मैम। आगे बढ़े, आपकी आज्ञा है, आगे बढ़ना। ओके, तेजल जुड़ी नहीं है क्या आज? तेजल अब भी लेफ्ट हुई मैम, जस्ट पहले थी। अच्छा, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। जागृति पाटिल, आपसे आज हम बात करना चाहते हैं, है ना। अगला जो सवाल होगा उसका आंसर आप दोगे। आई लाइक दिस नेम क्योंकि वो हमारे बिटिया के नाम के साथ जुड़ता है, इससे जागृति जी आपसे बहुत ज्यादा प्यार होगा। अब प्यार होगा या यदि हम आमतौर पर सार्वजनिक तौर पर बात कर रहे हैं कि हमें आपसे प्यार है, तो ये बच्चिया जूते लेकर हमारे पीछे दौड़ी चली आएगी। यह आंसर क्वेश्चन का आंसर तो हम देते हैं और आप कहते हो कि बस नाम के साथ आप उनसे प्यार करते हो, तो ये बात अच्छी नहीं होगी, है ना। इसके लिए जो सवाल हम आपको करेंगे उस सवाल का आंसर भी आपको देना होगा। प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कब तक, आज शाम तक मिल जाएगा हमें? मैम वो ऐप के थ्रू टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसे हमने लिख के रख लिए है बुक में, उस बुक में रेडी है पर उसको टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, मतलब से अगर एक पेज का होगा तो हम टाइप कर लेंगे, पर दो तीन पेज का उसमें बहुत टाइम लग रहा है। अच्छा, ओके ओके ओके। और किसी मैम एक और दिक्कत थी हमें कि क्लासरूम पे वो किस तरह से भेजा जाएगा? क्लासरूम पे तो आप उसे पीडीएफ करके डाल सकते हो। मगर मैम आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया है उस क्वेश्चन इसमें भेजने का। ऐसा कैसे भेजने का ऑप्शन नहीं है अभी? जी मैम नहीं, अभी हमने जो पहले क्लासरूम पे भेजे है ना इंग्लिश के वगैरह, तो उन्होंने सर ने नीचे दिया था कि आपका एडवर्क इधर ऐड करो करके, तो आपने ऐसा एडवर्क कहाँ करना है वो दिखाया नहीं है उसने। ओके ठीक है, आज वो हो जाएगा बेटा, है ना, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आज हम वो करवा देते हैं। कैसे करना है या पहले तो हमें देखना होगा और फिर हम आपको बता देते हैं कि आपको कहाँ क्या करना है, ठीक है। तो जी मैम, जी सिर्फ एड वर्क का ही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। और एक दिक्कत थी मैम कि हमारा हम जो अभी आप सिखाते बहुत जी जान लगा के सिखा रहे, हमको समझ में भी आता है, पर आपने जो टेस्ट दी ना उसके आधार पर जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें कुछ कुछ बातें याद नहीं आ रही है, तो अगर आप हमारे पास अगर नोट्स रहती ना तो हम पढ़ के वो टेस्ट अच्छी तरह से दे पाते, ये एक दिक्कत भी थी हमें। ठीक है, देखिए कल की तो टेस्ट आप लोगों ने दी थी, वो तो टेस्ट आप लोग ही नहीं थे, है ना, वो तो बाद में देनी थी, लेकिन आप लोगों के सभी के जो नॉट पॉसिबल मैम नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक्चुअली हमें कल जाना था कॉलेज, अब कॉलेज भी जाना है, आपका टाइमिंग भी यदि वही है और उसके बाद में भी हमने सोचा कि बाद का टाइमिंग आप लोगों से लेते हैं, तो उसके बाद में भी पॉसिबल हमें नहीं था,
है ना, क्योंकि नो प्रॉब्लम मैम, ये तो कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं हमें, पर हम रीड कर, ऐसे नोट्स होती तो हम रीड कर पाते हैं, इस समय बात करना चाहते आप यदि हमें ये बात करते हो कि मैम आप हमें नोट्स देखा, लेकिन हम लोग ऐसे तो हम आपको नोट्स में कुछ हमें कम नहीं होगा, तो हमें तो नहीं देना आपको नोट्स, आज नहीं तो कल तो देना ही, नोट्स हमारे ऑलरेडी रेडी है, लेकिन कहीं कि आप लोगों को नोट्स मिल गई, आप लोगों के पास पीपीटी सब पहुंचा दी, तो आपका आना ही बंद हो जाए। नहीं मैम, आप इतना अच्छी तरह से सिखा रहे हैं, लेक्चर इतना जी जान लगा के सिखाते हैं कि आपके वर्ड याद रहते हैं, हम ऐसा पढ़ के भी याद नहीं कर सकते, इतने हार्ड वर्ड है इसमें। चलो अच्छा लगा बेटा आपसे ये सब सुनकर। ठीक है, आपका जो आपने बताया ना कि क्या बोले आप, क्या डालना है आपको, वर्क डाल देना है कि आप कर पाए उसमें, ऐड कर पाए ये सब, ये भी जी मैम ऐड एड वर्क करके ऑप्शन आता है उसमें क्लासरूम में, तो okay. हम उसमें हमारा वर्क ऐड कर सकते हैं फिर। ओके ओके ठीक है। और थैंक यू मैम। चाहिए नोट्स है ना, तो नोट्स आप हमें पहले वादा कीजिएगा कि जी हम बिल्कुल पूरी तरीके से हम जुड़ेंगे, कहीं पर भी लेफ्ट नहीं होंगे और रहेंगे। नहीं मैम, वो तो हम रहेंगे आपके लेक्चर में, क्योंकि बहुत हार्ड वर्ड है, हम पढ़ के इतना सारा सिलेबस कवर नहीं कर सकते। पक्का वादा है सभी का? जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी मैम। केवल नीता ने कहा है और बाकी के लोग? अच्छा तेजल जी जुड़ गए हैं, आप कहाँ थी कब तक से? नहीं नहीं जुड़ी हुई थी कब से, बस वो रेंज प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा ठीक है, इन बच्चों का कहना है कि आपको नोट्स दे दी जाए, क्या ख्याल है आपका? आपको नोट्स दे दी गई तो क्या आप लोग इसी तरह जुड़ोगी क्या? हेलो जी मैम, हम रोज लेक्चर अटेंड करेंगे मगर आप नोट्स भेजेंगे। अच्छा ठीक है, तो आज ये नोट्स आप लोगों को गूगल क्लासरूम पर मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी तेजल जी, आप कुछ कहना चाहती है बेटा? नहीं कुछ नहीं मैम, थैंक यू। ऐसा नोट्स चाहिए थे मैम, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ज्यादा ऐसा, अब जब तक आप पढ़ा रहे हो तब तक ध्यान में आ रहा है, उसके बाद ब्लैंक हो जाता है। अरे बाबा, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, डोंट वरी। ये मैम वो रिकॉर्डेड वीडियो में कैसा है, जब तक नेट चलेगा ना तब तक हम वो देख पाएंगे, अगर नोट्स कैसे डाउनलोडेड रहे ना तो फिर नोट्स को प्रॉब्लम नहीं आएगा हमको कभी। अच्छा ठीक है, मतलब आप सभी लोगों की रिक्वायरमेंट है कि आपको पहले नोट्स ही दे दिए जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल आप लोगों को देनी है, आज ही लेक्चर्स के बाद हम तुरंत उस पर डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो हमने जो आपसे जो वादा किया था वो वादा किसी ने नहीं निभाया है, कितने लोगों का आर्टिकल्स कितने तैयार है हमें बता दीजिएगा पहले। हर्षिता जी ने बता दिया कि उनका तैयार है। नेहा, आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही बेटा, आप थोड़ा सा टॉवर में आ जाइएगा। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आप हम सुन। मैम आवाज आ रही है? जी बेटा जी बोलिए आप। मैम आपने दो टॉपिक्स पे लिखने के लिए दिया है ना, उसमें से एक टॉपिक मेरा कंप्लीट है, दूसरा बाकी है। वेरी गुड, तो जितना आप लोगों का कंप्लीट है कम से कम उतना तो डाल दीजिएगा, ताकि वो हम लोग वेरीफाई कर पाए। ओके मैम, मैं एक डाल दूंगी। हाँ देखिएगा, वेरीफाई करने के लिए हमें दूसरे लोगों तक पहुँचाना है ना। आप ये समझोगे कि दो दिन दे दिए मैडम ने, तीसरा तो संडे आ गया, फिर मंडे भी चला गया, मंडे तो लेक्चर ही नहीं हुआ, तो हम लोगों के पास तो देखिए कितना सारा समय मिल गया ना आप लोगों को। अभी अब ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, अभी कोई टीचर से भी आपको रिक्वायरमेंट कर रहा है तो जरूर उसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई होगी, इसीलिए तो हम आपको बार बार डिमांड कर रहे हैं ना। और ये तो पब्लिकेशन के लिए आप लोगों का मैटर तैयार होने वाला है, इसलिए आपने बहुत ध्यान देकर सोच समझ कर उसे लिखना है। तो हर्षिता जी, हम आपकी बातों से सहमत हैं कि टाइपिंग के लिए वर्क लगता है, तो आपको यदि बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होगी तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वैसे आपने कैसे वो करना है ये भी बता दिया है ना, थोड़ा समय निकालिएगा बेटा, क्योंकि ये
आपका पब्लिकेशन का नाम कहाँ कैसे जुड़ जाएगा आप नहीं सोचोगे, आपको अब समझ में नहीं आएगा, लेकिन पब्लिकेशन होने के बाद जब पब्लिश हो जाएगा आपके हाथों में वो बुक आएगा ना, तब आपके जान जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। आप सोचोगे भी नहीं कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया, हमारा नाम वहां पर छप गया। और एक बात ध्यान देकर सुनिएगा कि जहां पर पब्लिकेशन होगा वो नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के भीतर, हो सकता है कि आप उस पुरस्कार के अधिकारी हो जाए। और मिलता है हमेशा हमारे महाविद्यालय को पुरस्कार, पुरस्कृत से ही हो जाए आप सभी लोग, कितनी बड़ी बात होगी यार। भले ही देर से ही सही, क्योंकि हमारा देखिएगा कि आप एस वाई हो या टी वाई हो, इन सबका सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट हो गया है ना, तो केवल बचा है आप लोगों का। तो उन बच्चों ने जो मिला हुआ है हमारे पास, आपसे तो बहुत देर की बात हो गई हमारा, यदि हम लोग पहले मिलते हैं तो शायद आपको ढेर सारा समय 8 दिन 15 दिन मिल जाते हैं, लेकिन क्या करें बेटा, हमारे भी मजबूरी है और उस मजबूरी को आप सभी लोगों को समझना होगा। डेडलाइन पर डेडलाइन हम लोगों को आ रही है डेली कि मैम आपका मैटर नहीं हुआ है, मैडम आपका मैटर नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे ने जब तक मैटर नहीं देते तो हम कहाँ से मैटर क्लियर करेंगे ना, ये हमारी दिक्कत है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आज शाम तक, आज के 12 बजे तक, आज का दिन पूरा है आपके पास। कल ये हमारा ये लेक्चर्स में कोई इस प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, बीच में ही वो प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करेगी हमारी, ठीक है, वादा करते हो आप? जी मैम। ओके, थोड़ा सा काम साइड रख दीजिएगा, जो महत्वपूर्ण काम होगा पहले इसे कम्प्लीट कर दीजिएगा बेटा, तो हो जाएगा आपका। ओके मैम, ये प्रोजेक्ट का लेंथ कितना, मतलब 2-3 पेज का आर्टिकल तो नहीं छप सकता ना? क्यों नहीं छप सकता बेटा, 5-6-8 पेजेस का भी छप सकता है ना आपको तो। ओके, हाँ 2-3 पेजेस का बोला है हमने, बहुत लंबा जी 5-6 पेजेस नहीं होने चाहिए, 2-3 पेजेस में आपका होना चाहिए। ऐसे वैसे शब्द यहाँ आके मत उठाइए, हम आपको बार बार कहते हैं कि शब्द, और ऐसे ही विषय आप लोगों को दिए गए हैं जिसे आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, जैसे COVID-19 और शिक्षा पद्धति है, तो क्या आपको ये शिक्षा पद्धति अच्छी लगती है बिना टीचर के? जब टीचर कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग गूगल क्लासरूम पर हमारे लेक्चर्स डाल देते हैं तो टीचर का और स्टूडेंट का तो बातचीत ही नहीं हो पाती है। अब तो ठीक है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं तो कम से कम हर्षिता की आवाज कैसी है, भाग्यश्री की आवाज कैसी है, कितने बच्चे हमसे जुड़ते हैं ये भी समझ में आता है, लेकिन क्लासरूम पर तो ऐसा कुछ नहीं होता। रिकॉर्डेड वीडियो हम लोगों ने डाल दिए, बस आप लोग उसे देखते जाओ, केवल टीचर्स की बातों को आत्मसात करते जाओ, नहीं तो आप टीचर्स को देख सकते हो और नहीं हम आपको देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर कम से कम इसे तो देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और प्राचीन गुरुकुल पद्धति कैसी थी कि हम लोगों को तो अपना परिवार छोड़कर जाना पड़ता था, लेकिन आज की अत्याधुनिक गतिविधियों ने, विकसित देश ने हमें इन सभी चीजों से वाकिफ करवा दिया। महाविद्यालय का विकास हुआ, फिर हम लोग स्कूल महाविद्यालय जाते हैं। अब देखिए COVID-19 ये भी डाल दीजिएगा उस पर कि ये सारी चीजों को आत्मसात करते हुए अनेकानेक समस्याओं से जब भारत गुजर रहा है तो उसके साथ में शिक्षा पद्धति कैसे मुक्त हो सकती है। शिक्षा पद्धति में भी कई प्रकार के विकास आए और ये जो अंतिम हमारा विकास हो रहा है, शायद माने पेपरलेस हमारी जिंदगी हो गई, अब हम लोग विदाउट क्लासरूम यहाँ पर मिल सकते हैं, स्टडी कर सकते, तो फायदे भी लिखिएगा वहां पर और नुकसान भी लिखिएगा कि हमें दूसरे से कैसे, तो ये सारी चीजें तो आपसे जुड़ी हुई है ना। परीक्षा पद्धति को ले लीजिएगा, अभी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दी तो कितने लोगों को कितनी समस्याएं देखनी पड़ी, फिर लोगों का नेटवर्क देखिए, जैसे अभी कोई व्यक्ति लेफ्ट हो गया तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ठीक ठाक उनसे मॉक टेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो ये लिखिए वहां पर कि हमें कौन कौन सी समस्याएं आती है। और ये भी लिखिएगा कि जब हमें एग्जाम देने का मौका आता है तो हम कॉलेज नहीं जा पाते तो हमारा समय भी वहां पर बच जाता है ना। और कई प्रकार के संसाधन हम लोग उपयुक्त लाते हैं, कई प्रकार के हम कहें कि पार्लर की विधियों को आत्मसात करते थे कॉलेज जाने के लिए, वो उन सब का खर्च हमारा बच गया, कपड़ों का खर्च बच गया, समय हमारा बच गया। तो लाभ भी लिखिएगा और हानि भी लिखिएगा, तो ये तो सारी जानकारी आप लोगों के दिमाग में ऑलरेडी है, बस उसे आपको क्या करना है, कागज पर उतारना है लेखनी के माध्यम से। ओके,
लिखोगे आज शाम तक? जी मैम पक्का मिल जाएगा हमें आपसे? जी मैम। हाँ देखिए, और किसी ने अभी नीता जी ने बात उठाई या किसी और ने, यदि होता है ऐसा न कर पाए एडवर्ब नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, सीधे हमारे मोबाइल पर ही डाल देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस जो ऑल एफवाई विहोग का जो ग्रुप आप सभी लोगों ने बनाया हुआ है उस पर डालने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि तो उसमें हम बार बार आपको सचेत करवा रहे हैं कि वो ग्रुप ऑलरेडी भर चुका है, इतने सारे वहां पर आते हैं और आप लोग डालते चले जाते हो तो बहुत, मतलब किसी और टीचर का दूसरे टीचर्स को देखने में मजा नहीं आता है, वो कहते हैं कि बच्चे कितने बेकार हैं, ये सारे सिस्टम को बिगाड़ देता है बेटा। आपने जो रूल्स रेगुलेशन है उसे हम सभी लोगों को फॉलो करने होंगे। आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं जा पा रहा है गूगल क्लासरूम पर, तो सीधे हमारे 9371166339 इसी मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर पर आप आपका नाम आपका आर्टिकल सेंड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेकिन आज शाम तक वो हो जाना चाहिए टाइप कर। ओके चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा कि अन्य प्रयुक्त की गई शब्दावली कैसे हैं, अब हम देखते हैं कि नवनिर्मित शब्दावली कैसे होती है। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी की प्रयोजन मूलक जो प्रयुक्त शब्द संपदा थी उसमें कई प्रकार की वृद्धि हुई। ऐसे वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही क्यों ऐसी हुई हमें बताने में बहुत आनंद भी होता है और खेद भी होता है यह कि जब हमारे देश पर अन्य लोगों ने आक्रमण किया, अन्य लोगों ने अपना शासन जमाया, तो उन लोगों की शब्दों को हमारे भारतीय लोगों ने आत्मसात कर लिया। फिर वहां जो आत्मसात किए हुए जो शब्द प्रणाली थी, जो हमारी शब्द संपदा थी, वो अनायासी बढ़ती चली गई। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि एक शब्द के लिए कई शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे बैंकिंग के क्षेत्र की यदि शब्दावली को इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं तो जैसे धनादेश हुआ या देय धन हुआ या सापेक्ष मूल्यता हुई, जमा पूर्जी, अनुपार्जित आय, अग्रिम, जमानत राशि, इस प्रकार के कई ऐसे शब्द होते हैं चूंकि वो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्राप्त हुए। अब विशेष शब्दावली कैसे होती, सेकेंड पॉइंट को अपन उठाते हैं कि विशेष शब्दावली कैसे होती। तो इस प्रयुक्ति की विशेषता यह होती है कि कुछ अपनी शब्दावली होती है जो सामान्य शब्दावली से ग्रहण कर एक विशेष और नया अर्थ प्रचलित करती है ना। माने यस, ये हो चुका था शायद हमारा, तो सब कुछ हो चुका है बेटा, लेकिन आप लोगों में से किसी ने नहीं बताया कि मैम ये हो चुका है। हमने आपको बताया था ऋण, ऋण का शब्द क्या होता है कि हम आपके ऋण में रहेंगे, लेकिन ऋण का अर्थ केवल धन से नहीं होता, केवल आभार से नहीं होता, तो उसका अर्थ उधार से भी होता है ना, या पूंजी से होता है। धन से उसका अर्थबोध नहीं होता है, बल्कि पूंजी को यदि अपन लेते हैं तो धन ही अर्थबोध नहीं होता है, तो अर्थ क्षेत्र में विशेषकृत व व्यापक हो जाता है। शेयर बाजार में भी कई प्रकार के शब्दों को हम लोग देखते हैं, जैसे बियर एंड बुल, और इसका बियर का मतलब होता है भालू और बुल का मतलब होता है न तो बैल न तो खच्चर, है ना, इसके बीच का, जिसे अपन सांड कहते हैं। लेकिन यह जो शब्द है बियर और बुल का मतलब भालू या सांड प्राणी नहीं बल्कि मंदी और तेजी के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे बाजार की शब्दावली के साथ यदि हम लोग प्रयुक्त करते हैं तो गेहूं गरम दाल नरम, सोना उछला चांदी लुटती, ये हुआ था ना आप लोगों को याद आ रहा होगा अभी? जी मैम। हाँ हुआ है ये। उसके बाद में है समांतर शब्दावली। अब समांतर शब्दावली के ये भी हुआ। हाँ ये भी हुआ है। शब्द रचनागत विशेषता, यह भी हमारा पॉइंट हुआ है कि कार्यालय प्रयुक्ति कैसे होती है। वाक्य विन्यास, ये हम लोग देख चुके थे, यहाँ तक हम लोग आए थे। पांचवा जो है वाक्य विन्यास का अंश, जिसे लेन देन से संबंधित क्रियाओं की बहुलता होती है, और इसमें जैसे लेना देना माने जैसे जमा करना, निकालना, भेजना, मंगाना, ये सब लेन देन के संदर्भ में हम लोग इस प्रकार की क्रियाओं को लेते हैं। क्रिया, क्रिया यानी क्या, कार्य करना, है ना, तो क्रियाओं की बहुलता कैसे होगी,
लेना माने क्या, लेने का कार्य कर रहे, देना माने देने का कार्य कर रहे हैं, और जमा करना कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, निकालना निकालने का कार्य कर रहा है, भेजना भेजने का कार्य कर रहा है, मंगाना मंगा, तो ये जो क्रियाएं हैं उस क्रियाओं की बहुलता यहाँ पर दिखाई देती है। अगला है वाक्य रचना में कर्ता का लोप, यानी सामूहिक संबोधन की प्रवृत्ति यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि वाणिज्य व्यक्ति परक से समूह या संस्था परक बन गया। मैंने कहीं पर भी हम यह नहीं देख पाते कि वाणिज्य के साथ या बाजार मार्केट के साथ हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा है ना। मुझे यदि कोई चीज बेचनी है, मानते हुए चलेगा कि मुझे नींबू बेचने हैं या हमें मिर्च बेचनी है, तो जो मार्केट का भाव होगा, जो मार्केट का एक्चुअल में रेट होगा, उसे रेट के आधार पर हम अपना कार्य करेंगे। माने एक ही रेट के हिसाब से हम अपने मन से नहीं चलेंगे, वहां पर क्या होगा, तो वहां पर सामूहिकता होगी, पूरा मार्केट होगा, पूरा समाज होगा, एक व्यक्ति नहीं होगा। तो व्यक्ति से लेकर समूह तक जब हमारा बाजार पहुंच जाता है, जब वो पूरा समाज पहुंच जाता है, तब वहां पर कर्ता का लोप हो जाता है, माने जो एक प्रमुख व्यक्ति होता है उसका पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। लोप होना मतलब नष्ट होना। उसके पश्चात है उपर्युक्त अनुरूप वाक्य रचना, माने क्या उपप्रयुक्ति, उपप्रयुक्ति के अनुरूप वाक्य रचना कैसे होती है, तो जैसे वाणिज्य संस्था, ये जो व्यवहार क्षेत्र होते हैं, इस व्यवहार क्षेत्र को तीन व्यवहारों में हम बांट देते हैं। पहला कौन सा हुआ, तो अंतर्विभागीय और अंतराविभागीय और जनसंपर्क, इनकी वाक्य रचना में क्रमशः कर्ता का लोप, सामूहिक अस्तित्व बोध, अप्रत्यक्षता और सत्ता का उच्चाधिक्रम और कर्मवाच्य प्रधान वाक्य रचना जो होती है वो यहाँ पर हमें प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। यदि हम देखते हैं अंतर्विभागीय, तो अंतर्विभागीय में हम एक एग्जाम्पल बताएंगे, आपका भेजा हुआ माल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, माने वहां पर किसी भी पर्टिकुलर एक व्यक्तिगत नाम नहीं होगा, वहां पर कर्ता का जो हमारा उपप्रयुक्ति है उस उपप्रयुक्ति के साथ हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वह सामूहिक हो जाएगा। यदि हम अंतर्विभागीय बात करते हैं तो उसमें श्री राम लाल को शीघ्र नई सड़क शाखा में स्थानांतरित कर दे, माने क्या कर दिया कि अंतराविभागीय में और अंतर्विभागीय का जो अंतर होता है, इसमें डिस्टेंस कौन सा हो गया कि पहले में अंतर्विभागीय में वो सामूहिक कार्य हो गया, और दूसरे अंतराविभागीय में वो जो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम लिया गया, माने श्री रामलाल को, तो निश्चित ही जो शीघ्र नई सड़क है उसकी शाखा में स्थानांतरित करने का कार्य श्री रामलाल को ही करना है, उसकी जगह पर दूसरा नाम नहीं आएगा, उसकी जगह पर आपका नहीं आएगा। जनसंपर्क तीसरा पॉइंट, जनसंपर्क, तो यहाँ लॉकर की सुविधा है, भुगतान रोक दिया जाए, माने सभी लोगों को जब सूचना के तौर पर दिया जाना है, तो जनसंपर्क माने जन लोगों से, आम लोगों से भी संपर्क हम लोगों को बनाना है, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर माने नोटिस लिखवा देते कि यहाँ लॉकर की सुविधा है, भुगतान को रोक दिया जाए। तो इस प्रकार से उपप्रयुक्ति के अनुरूप वाक्य रचना, ये जो है यह वाक्य विन्यास को क ख ग इन तीनों के आधार पर बांट दिया जाता है। अब हमारा छठा पॉइंट है अनुवाद प्रधानता। अनुवाद करना है क्या, तो प्रशासनिक भाषा की तरह वाणिज्य और व्यावसायिक भाषा में भी अनुवाद प्रधानता पाई जाती है। अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अनुवाद करते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस वाक्य का क्या प्रयोग कर रहे हैं और उसका ट्रांसलेशन कैसे करवा रहे हैं। मानते हुए चलिएगा कि एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, राम इज गोइंग, इसका मतलब क्या है, इसका अनुवाद कर दीजिएगा आप लोगों में से कोई। जागृति करेगी, जागृति पाटिल जी आप लोग, जागृति निकल गई क्या, वो आपका ही नाम आ रहा है होस्ट करके। नहीं नहीं, ये तो ऊपर हम जागृति में, और एक जागृति पाटिल है हमारे बीच में, और एक जागृति थी, निकल गई शायद।
ठीक है, कौन बताएगा? राम इज गोइंग और सीता इज गोइंग, बताओ। इसका अर्थ हमें बताइएगा हिंदी में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राम जा रहा है। यस यस गुड। देखिए राम जा रहा है, इसका ट्रांसलेशन कर दिया हमने उस वाक्य के आधार पर, अनुवाद कर दिया। लेकिन उसी वाक्य को यदि हम देखते हैं कि सीता इज गोइंग, तो बाय ट्रांसलेशन दिस वर्ड हम क्या लेंगे, सीता जा रहा है ना। लेकिन ये तो केवल मात्र अनुवाद हो गया, व्याकरणिक दृष्टि से भी हम लोग देखते हैं तो दूसरे